फ्रेंड्स, आजकल अमीर घरों की लड़कियां जो पापा की परियां हैं, उनकी हरकतें देख के आप देखेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे। मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें एक पुलिसकर्मी है, इंस्पेक्टर सर है, और वो रोड पर एक कार को रोकते हैं। उस कार में से दो लड़कियां और एक लड़का निकलता है। लड़की पेप्सी की बोतल में उन लोगों ने शराब भर रखी है, मतलब नशे की हालत में धुत दो लड़कियां और एक लड़का गाड़ी से उतरते हैं और उनके जो वाहियाती कहूँगी मैं, वाहिया तरीके के जो कपड़े पहनते हैं, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को ही अच्छी तरीके से भूल चुकी है। पता नहीं आज के कल्चर में ऐसा क्या है, आज के संस्कार में ऐसी क्या चीज़ है जो अपनी सभ्यता अपनी सामाजिकता को बिल्कुल खो चुकी है लड़कियाँ। इंस्पेक्टर साहब उन्हें रोकते हैं और वो लड़कियाँ बदतमीजी में उतर जाती हैं, और बदतमीजी में भी इतनी पुलिस वाला मतलब इतने गंदे लैंग्वेज का वो यूज़ कर रही हैं। तो वो जो जिन्होंने वो वीडियो डाला है वो हमारी फ्रेंड है, हमारी यूट्यूब फैमिली है। तो मुझे ज़रूरी लगा कि इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि उन्होंने वो क्लिप डाली थी जो ओरिजिनल क्लिप थी, एक पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी कर रही है दो लड़कियाँ। तो लड़का बेहोश नशे की हालत में, लड़कियाँ भी और लड़के भी, और पेप्सी की बॉटल उनके हाथ में है। इंस्पेक्टर सर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि उनने नाम भी बताया था अपना। वो मतलब इस बुरी कंडीशन में, और उसकी माँ को फोन लगाया जाता है लड़की का, और माँ बोलती है इन्हें डांटो और भेज दो, लेकिन लड़की कहती नहीं ये गलत है, और लड़कियाँ उनके साथ बदतमीजी करती है, और बदतमीजी इतनी हद तक तू तड़ाका में एक अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनकी ड्यूटी हो, ड्यूटी निभा रहे हैं, उनसे इस तरीके से बदतमीजी करती हुई वो दोनों लेडीजें मैं देख रही थी। तो मुझे ज़रूरी लगा कि ये संदेश समाज को आज देना बहुत ज़रूरी है। जो लड़कियाँ अपना आपा खो रही हैं, अपना आत्मसम्मान खो रही हैं, अपने संस्कार उससे बिल्कुल पिछड़ चुकी है, अपने संस्कार भूल चुकी है, अपने आप को इतना मॉडर्न तरीके में ढाल चुकी है कि ये इंसानियत को भी भूल गई, ये भूल गई है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, वो सही गलत का फैसला करना भूल गई है। उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, अब वो माँ जो कहती ने डांट कर भेज दो, उनको बोलना चाहिए था तुरंत से ले जाओ थाने में, दो चार घंटे के लिए या एक दिन के लिए इनको अरेस्ट करके रखो, क्योंकि इस तरीके की जो अवाहियात हरकत सड़कों पर करते हैं, ये रूल फॉलो नहीं करते, नियमों को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, कहीं ना कहीं ये समाज में एक बढ़ावा दे रहा है आज की पीढ़ी को कि वो कर रहे हैं तो हम भी ये चीज़ें करें। आज की पीढ़ी बदलाव इसी को बोलती है, जो कि बदलाव नहीं, बिल्कुल ये बेकार वाहियात तरीके के हरकतों को करने पर उतारू हो गए। तो दोस्तों, जो बच्चे हैं उनको देख के तरस आता है कि आने वाले भावी पीढ़ी क्या होगी जब इस तरीके की आज की पीढ़ी की सोच है। क्यों नहीं ये पीढ़ी की सोच बदल रही, इनकी सोच कब बदलेगी, कब इनको लगेगा कि हम गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, कब ये सही दिशा पकड़ेंगे। बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द होता है अंदर से जब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जब समाज में घटना घटित होती है, उस एक घटना को कई लोग देखते हैं सड़क पर खड़े होकर, और उनके मन में भी ये विचारधारा पनपती है कि दूसरा बच जाता है तो हम क्यों नहीं, और इसलिए अगला व्यक्ति ये स्टेप उठाता है और ये घटनाएं बढ़ती जाती है। बहुत अंतरात्मा दुखी होती है कि आज की पीढ़ी किस दिशा को जा रही है, कहाँ खो गए वो संस्कार। जब एक नज़र माँ बाप की एक आंखों से डर कर बेटी इशारे को समझ जाती थी, आज वो माँ बाप का बोलना है इशारा उनके लिए एक बहुत तरस वाला शब्द बन जाता, बहुत ज़्यादा मतलब माँ बाप अगर आंखें दिखाते तो उन बच्चों के लिए वो आंखें बिल्कुल अपमानित हो जाती हैं। एक समय वो भी था जब माँ बाप खाली बच्चे की तरफ देखते थे, उस डर से बच्चा वो कभी ये गलती कर नहीं कर सकता था, लेकिन आज की पीढ़ी इतनी ज़्यादा मॉडर्न तरीके में ढाल चुकी है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती है, किसी को बोलना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वही सही है। उसकी माँ कई बार बोल रही थी कि ये नहीं करना, वो सही कह रहे हैं, तुम्हें डांट रहे, लेकिन बेटियाँ मानने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि हम सही हैं जैसे भी हैं, ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब एक पुलिसकर्मी आपको सही रास्ता दिखा रहा है, आप उसे गलत, वो सही कानून सिखा रही हैं, कानून जानती हैं आप, नियम जानते हैं आप, सड़कों पे चल रहे रोड के नियम पता है आपको, कुछ भी कर देते हो, किसी के भी साथ कर देते हो, ये नहीं देखते हो कि इसका अंजाम क्या होगा। तो दोस्तों, बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता है अंदर से जब ये चीजें हम अपने छोटे बच्चों को देखते हैं समाज में करते हुए।
अगर आज की पीढ़ी ये है तो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा, क्या होगा इस समाज का, कब सुधरेगा इस समाज, कब ये बच्चे सुधरेंगे, कभी इन्हें समझ आएगा भी या नहीं। जो चीजें आज बढ़ रही, तरक्की कर रही, क्या ये चीजें और तरक्की करेंगी, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता है चीजें देख के, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दर्दनीय घटना है, कह नहीं सकते इन चीजों के बारे में, क्योंकि आज बहुत कुछ ज्यादा समाज में पतित हो चुका है। इसे हम और आप चाहे रोकने की कोशिश करें तो भी नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ प्रयास जारी रहेगा कि आने वाली पीढ़ियों को रोकने का कदम हम उठाएं। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत जरूरी है सबको मिलकर आवाज उठाने की, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है, हमारे बच्चे किस दिशा को जा रहे हैं हमें खुद पता नहीं है। इन्हें रोकना बहुत जरूरी है, वरना एक भयंकर जो दुष्परिणाम है आने वाले समय में हमारे समाज के बीच आएंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों पर ग्रहण की तरह है। तो दोस्तों धन्यवाद, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं सच्चाई का साथ दे रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तक आप पहुँच सको। डेली सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आती है, ऑलरेडी मैं विकलांग लोग को सपोर्ट करती हूँ ऐड के साथ, अगर मेरा वीडियो देखोगे तो मैं उन लोगों को हेल्प कर पाऊंगी जो विकलांग महिला है। तो थैंक यू आप लोगों का, डेली 2 बजे मैं लाइव आती हूँ अपने भाई बहन को सपोर्ट करने के लिए, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज समाज गलत दिशा को जा रहा है, उसे रोकने की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना योगदान जरूर दीजिएगा, समाज के हित में एक कदम जरूर आगे बढ़ाएं। आपका दिल से धन्यवाद।